तेनू तणियों पे मंत्री जी के साले का जन्मदिन है, चंदा दीजिए। धन्यवाद साहब। ऐसे मंत्री के साले और उसके साथ रहने वाले 8 लोगों को मैंने तेरी बिल्डिंग में मार दिया। उसके लिए जो केस बनाना है बना ले, जो तहकीकात करनी है कर ले। कौन है रे तू? और कौन हो सकता है? तेरू तणी बे। ये तुम्हारे लिए। ये लो। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे तलाइवा, छोटे तलाइवा, मुझे छोड़ के चले गए तलाइवा। अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे? हमारे तलाइवा छोड़ के चले गए, ऐसा ही खड़े ना, पकड़ ले। जब हमारे तलाइवा ही चले गए तो हमारी जान किस काम की है? ये क्या किरोसिन में नहा रहा है? कौन है ये? अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे यार पागल है क्या? इधर ला बे। जब तक ऐसे बेवकूफ रहेंगे तब तक ऐसे नेता क्यों नहीं जीतेंगे? ए, क्या कर रहे हो? हा? तुम लोगों की इतनी हिम्मत के इस लड़के को हाथ लगा रहे हो? एक सच्चा कार्यकर्ता है, ये देशभक्त है, छोड़ो इसे। ओके। बेटा तुम इधर आ। स्वामी जी। देखो बेटा, तुम इतने गोरे चिट्टे हो, अपने आप को जलाकर मेरी तरह काले क्यों होना चाहते हो? अरे जिसे जाना था वो चला गया, बड़ा नेता तो है ना, उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना है अभी। आज के बाद अब मेरी जान सिर्फ बड़े तलाइवा के लिए, अब मैं उनके मरने का इंतजार करूंगा। अरे तेरी तो अभी एक मरा है, तू चाहता है कि दूसरा भी मर जाए? मौत के ऊपर क्या बकवास कर रहा है तू? इसको समझा बुझा कर ले जाओ, ले जाओ इसको। मैंने तुमसे बताया ना कि ये मेरा निजी मामला है, रुक जा। मैं जो बोल रहा हूँ अचित्र, क्या है? तेरी तानी का फोन आया है। तेरी तानी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना टेंशन में क्यों आ रहा है? मुझसे बात करना बंद कर, पहले अपने बच्चे से इमोशनल ड्रामा कर ले, समझा? बात कर। मुझे भी मार देगा माँ, माँ प्लीज मुझे बचा लो। सुरेश तू अभी कहाँ है? मेरे बेटे को कुछ मत करना, सुनिए तिरुतनी, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तू डर मत रे, तेरे बेटे का दिन वेस्ट हो सकता है लेकिन उसकी जान वेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसकी जान के जरिए कुछ अच्छे काम करवाने बाकी हैं। तेरा साला मर गया तो तू अपने घर में दुख मना, तो अपनी दुकान बंद रख, अपनी फैक्ट्री भी बंद रख, अपना मुंह बंद रख और अपनी बीवी का भी मुंह बंद रख। शहर की दुकानें बंद करवाएगा, कार जलाएगा, ऑटो जलाएगा, दुकान जलाएगा, तू तेरी। ए, तेरे साले को मारने वाला मैं ही हूँ।
अगर तू मर्द है तो मुझसे आके लड़। सुनिए, नहीं तो उसके लिए जनता की प्रॉपर्टी वेस्ट करेगा। तेरे जैसे जो जनता की प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं उनके लिए मेरे जैसा स्टाइलिश आदमी सही सबक सिखा सकता है। तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तेरे ऑफिस में एक लिस्ट भेजी है, तूने किस किस का ऑटो जलाया है, किस किस की बाइक, किस की दुकान गाड़ी जलाई है, उन सब का एड्रेस और फोन नंबर तक दिया है। पहले वो पढ़ रहे। मैं तुझे एक दिन की मोहलत देता हूँ, जो लिस्ट दिया उसका खामियाजा तुझे भरना है, समझा? और अगर नहीं किया तो तेरे साले की तरह इसको भी मार के तेरे पास पार्सल में भिजवाऊंगा, समझा कमीने? सुनिए, मेरे भाई को तिरुतेने ने नहीं मारा है, उसे मारा है तुमने। तुमने उसे मारकर पाप किया है। क्या बोल रही है? और उस पाप की सजा मेरे बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मैंने भाई को खोया है, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। नहीं चाहिए मुझे जायदाद, और तो और मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा बेटा चाहिए मुझे। देखिए, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिए। समझ गए ना तुम? और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारा दुश्मन तिरुतेनी नहीं होगा, मैं सामने खड़ी हूं। सीएम के पास जाऊंगी, कोर्ट में जाऊंगी। क्या करोगे क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए। हाँ, बेटी से लिस्ट लेकर आ। हेलो, नमस्ते डॉक्टर, मैं मिलिट्री तुरा पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए। लगता है एम्बुलेंस मिल गया। हाँ सर। ये किसकी वजह से मिला है? किसी तिरुतनी की वजह से मिला है। ये तिरुतनी कौन है आपको पता है? बोलिए। 3 महीने पहले एक लड़के को ये कहा था कि वो 6 महीने तक खींचिएगा। हाँ, वेलू से मैंने ही कहा था। वो वेलू ही तिरुतनी है। ऐसा क्या पाप किया मैंने? मुझे क्या तकलीफ दी है मैंने, हाँ, जो मेरे 6 महीने के मरने के बाद तू खुशी मनाएगा? वेलू, तू ये क्या बोल रहा है? डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है। तुम तिरुतनी हो ये मुझे पता चल गया है, लेकिन तुम्हें भी एक सच का पता चलना जरूरी है। तुम 6 महीने में नहीं मरोगे, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हें शहर में छोटे मोटे अन्याय के खिलाफ लड़ोगे ऐसा सोचा था, लेकिन पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करने की सोच रही है, तुम इतने बड़े खूनी बन गए हो। ऐसा करने के बाद अगर तुम मर गए ना, ये बात मरते दम तक मुझे चुपती रहेगी। आपको क्यों चुपेगा डॉक्टर? तुम्हें तिरुतनी बनाने में मेरा ही हाथ है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, जब तुम्हें चोट लगी थी तुम हॉस्पिटल में पड़े थे, तब मिलिट्री दुरई पांडे मुझे अकेले में मिले थे। वेलू के पास शारीरिक और मानसिक दोनों ताकत है। जहाँ कहीं भी अन्याय होगा वहाँ लड़ने की हिम्मत है उसमें। बचपन में उसके साथ जो हादसा हुआ था उसी वजह से वो खुदकश बन गया। पर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक झूठ बोलना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब पेशेंट से झूठ बोलना? आपका एक झूठ 4 लोगों का भला कर सकता है। इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसे रोक सकते हैं। एक नेक काम के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर दुराई पांडे, इस तरह का झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब मेरा काम नहीं है। डॉक्टर होने के नाते सिर्फ किसी की जान बचाना आपका काम नहीं है, इस देश की भलाई का जिम्मा हर किसी को है। जैसे मिलिट्री का काम देश को बचाना है, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, ये मिलिट्री का एक तरीका है। जब दुनिया में अन्याय तांडव करता है तब भगवान अपना रूप नहीं बदलता है क्या? एक नेक काम के लिए इंसानियत के नाते आप एक झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है मिस्टर दुराई पांडे, आप बताइए मुझे क्या बोलना है। वेलू के सर पर गहरी चोट लगी है और वो सिर्फ 6 महीने तक ही जिएगा, ये आपको बोलना है। अब इससे कोई समस्या तो नहीं होगी ना? कोई समस्या नहीं होगी, 6 महीने के बाद मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। देखिए मिस्टर दुराई पांडे, आप एक मिलिट्री मैन हो, आपकी इज्जत के लिए मैं ये झूठ बोल रहा हूँ।
तेरी वजह से आज मेरे सर 100 से भी ज्यादा केस लग चुके हैं। पुलिस मुझे जेल में डाल देगी, गोली मारे फांसी पे चढ़ाए, इस बात की चिंता नहीं है मुझे। मुझे जीते जी कुछ भी हो जाए उसकी भी चिंता नहीं है मुझे। मैं अपनी बहन की शादी को लेकर कितने सपने देख रहा था, वो सारे सपने तूने तोड़ दिए। किसी अनाथ लड़की के जैसे तूने मेरी बहन की शादी करवाने पर मजबूर किया। ओके बास, मैं उस बहन में अपनी माँ को देखता था, मुझे घर पे रहने की इजाजत थी, लेकिन तेरी वजह से आज बीच रास्ते पे छोड़ दिया। इस पाप का जिम्मेदार तू है। अपने पिता को भगवान मानता था, मैंने आखिरी सांस तक उन्हें अपने साथ रखने का सोचा था, लेकिन तूने तो उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचवा दिया। तू भी तो मर्द है ना, तेरा शरीर भी तो पत्थर की तरह ही है ना, है? और वैसे भी तेरा परिवार, बीवी बच्चे कोई नहीं है। तू जाके कर गलियों में झगड़ा, लड़ अन्याय के खिलाफ आवाज उठा। ए, इसमें तूने मुझे क्यों घसीटा है? अब तक जो भी मैंने किया है वो खून नहीं था, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ वो खून अपनी मर्जी से करूंगा। तुझे मारने के बाद जेल जाऊंगा, तभी मेरी आत्मा को अंदर से शांति मिलेगी, समझा?